जानिए 12 राशियों पर मार्गी शनि का प्रभाव। एंती पर्वत पर बसी शनि की दुनिया से जानिए किन पर मेहरबान रहेंगे मार्गी शनि। स्वयंभू शनि के इस दिव्य लोक से जानिए किनको माला माल करेंगे मार्गी शनि। शनि के तांत्रिक स्वरूप से जानिए मार्गी शनि के 86 दिन किन पर भारी। शनि की अलौकिक दुनिया से जानिए मार्गी शनि की चाल किनका करेगी नुकसान। अब की बार मार्गी शनि क्या कुछ देंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मुरैना के शनिश्वर धाम से यहाँ की धरती से एक बार फिर मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार दर्शकों। जी हाँ, न्यायाधीश कर्मफलदाता और दंडाधिकारी शनिदेव, जिनके दंडे से हर कोई खौफ खाता है, इनके न्याय चक्र से बच पाना नामुमकिन है। और आज हम आपको बताएंगे शनि महाराज के इस धाम से कि शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, आपके 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे मकर राशि में और तकरीबन 17 जनवरी तक अपनी इसी स्थिति में बरकरार रहेंगे। और ऐसे में मीन राशि पर शनि की ये मार्गी चाल कैसी रहेगी, शनि के इस दिव्य लोक से, शनि के इस दिव्य धरती से आज हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के इतिहास के बारे में, पौराणिक इतिहास के बारे में, यहाँ के महत्व भी मैं आपको अपने इस आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आइए सबसे पहले शनि की मार्गी चाल को समझ लेते हैं आचार्य जी से, बताइए। देखिए कविता जी, बहुत ही अद्भुत वाक्य याद आया है इस मार्गी चाल को समझाने का। आपने चर्चा किया त्रेता युगकालीन कुछ बातों का, तो वहीं से इस मार्गी और वक्री का हम इतिहास भी बता देते हैं कि रावण ने मुख्यतः शनिदेव को क्यों वश में किया था या क्यों गुलाम बनाया था। जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों ने, और क्योंकि वह खुद वेद पाठी ब्राह्मण ऐसा लोग कहते हैं था रावण, तो उसने जब देखा तो उसने पाया कि शनिदेव की स्थिति जो है, अगर उसको हम नियंत्रित कर लें कुंडली में तो हम इसके कुंडली में अक्षय वरदान ले लेंगे। तो वहां पर उसने क्या किया कि कहा कि हम बंदी ही बना लेते हैं शनिदेव को। लेकिन उसको शनिदेव की आड़ी तिरछी चाल और वक्री मार्गी चाल की पूर्ण रूप से उसको ज्ञान ही नहीं था। कहते हैं ना कि ईश्वर कुछ ब्रह्म ज्ञान अपने पास ही रखता है, वह वेद पुराणों को भी नहीं देता है। तो कह लीजिए कि वह ईश्वरीय शक्ति जो है वह उस समय खेल करती है, और शनिदेव अपनी तिरछी चाल की वजह से ऐसी मान्यता है कि अपने आप को धूरी पर झुका लेते हैं, और वहां पर उनका जो पैर कहते हैं, जो सिद्धांतों के अनुसार, जो धर्म पुराणों के अनुसार कहा जाता है, उनके एक पैर पर चोट लगी थी, देवताओं के द्वारा प्रहार किया गया था, तो वहां पर वह टेढ़ी चाल चले, थोड़ा सा हुचक कर चलने लगे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना टेढ़ा पैर जो है वह अगले भाव में कर दिया उसकी छाया। तो वहां पर प्रभाव ये आया कि मेघनाथ को इतना बड़ा दंड इस आयु में मिला। अब इस मार्गी को हम क्यों इतनी लंबी कथा आप लोगों को क्यों बताए कि शनिदेव का हर एक गोचर, चाहे वह वक्री हो रहे हो, चाहे वह मार्गी हो रहे हो, चाहे वह राशि परिवर्तन कर रहे हो, चाहे वह नक्षत्र परिवर्तन करे, या फिर किसी अन्य ग्रहों के साथ किसी भाव में युति नहीं बना रहे जी, तो हर कोई भाव उतना ही महत्वपूर्ण है कुंडली में जितना कि बड़े से बड़ा गोचर महत्वपूर्ण रहता है। वो है ही सबसे ज्यादा, वो है ही महत्वपूर्ण, और कलयुग के लिए तो समझिए कि वह कुंडली के सबसे प्रधान ग्रह में लिए जाते हैं। तो यह गोचर जो है, जो विशेष रूप से मार्गी होना जो है शनिदेव का, वह बहुत महत्वपूर्ण मीन राशि वालों के लिए होने वाला है। कविता जी, चलिए आचार्य जी, ये तो आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी इनके मार्गी चाल के बारे में, बताया कि कहाँ से कुछ जो भी समझाया आपने। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मीन राशि की सेहत पर शनि की मार्गी चाल कैसा असर डालेगी। देखिये, सेहत के विषय में मीन राशि वालों के लिए
थोड़ा सा शुभता मिलता हुआ संकेत दे रहा है। अब तक यह लोग मानसिक रूप से उलझे हुए थे, स्वास्थ्य पीड़ा कुछ ना कुछ लगी हुई थी, चाहे वह परिवार के जनों, चाहे वह संतान हो, चाहे वह स्वयं की हेल्थ को लेकर हो, या कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ित नजर आए थे। और अब इस मार्गी अवस्था में यह देखने को मिलेगा कि यहाँ पर यह रिलैक्स होते हुए नजर आएंगे, शांत होते हुए नजर आएंगे, लाभ की मुद्रा में आते हुए नजर आएंगे। चलिए, ये तो बात हुई इनकी सेहत को लेकर, रिश्तों में कैसा फर्क देखने को मिलेगा 17 जनवरी तक? देखिए, संबंधों के भाव में कविता जी अगर चर्चा करते हैं, संबंधों के विषय पर चर्चा करते हैं, मूल रूप से पिता पुत्र और माता पुत्र या माता पुत्री का जो संबंध है, वह माता पिता के साथ संबंध अगर जोड़ते हैं जातक का, तो वहां पर तनावग्रस्त होंगे आप, वहां पर आपको तनाव मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही पति पत्नी के संबंधों में भी बहुत शुभता का संकेत हमें मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इस लगभग 2.5 से 3 महीने तक। उसकी एक मूल वजह है कि शनिदेव आकर भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे और कहीं ना कहीं आपके अंदर अहम की भावना देंगे, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को सही वैल्यू, सही स्थान नहीं देंगे और आप दोनों का रिश्ता जो है वो खटास की तरफ जाएगा। तो संबंधों के भाव में यह जो मार्गी होना है, मार्गी अवस्था है, यह शुभता नहीं देती है मीन राशि और मीन लग्न के जातकों के लिए। कविता जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को यहाँ बता दूं, जो कि हम मुरैना के शनि धाम में है, तो पूरी दुनिया में ये इकलौता शनि का एक ऐसा मंदिर है जहाँ उल्का पिंड से निर्मित स्वयंभू शनि की मूर्ति यहाँ स्थापित है। और इस मूर्ति को स्थापित किसी ने नहीं बल्कि स्वयं महाबली हनुमान ने किया है। रावण की कैद से छुड़ाकर हनुमान जी ने शनि महाराज को यही स्थापित किया था, और यही वजह है कि जिसके चलते ये मूर्ति, शनि महाराज का ये तांत्रिक स्वरूप अपने आप में सबसे ज़्यादा खास है, और इनके इन्हीं स्वरूप के दर्शन करने से ही भक्तों के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। और जो कि इसका संबंध सदियों से, सालों से नहीं बल्कि देखिए त्रेता युग से संबंध है, तो देखिए पौराणिक मान्यता भी इसकी बहुत है और वैसे भी मान्यता बहुत है। और यही वजह है कि शनि की मार्गी चाल पर हमें एपिसोड्स आप लोगों के लिए लेके आने थे, तो हमने यहाँ आके, हमारी भी खुश नसीबी है कि हमें यहाँ पे शनि महाराज के दर्शन हुए और हम आपके लिए यहाँ से वीडियोस लेके आए हैं। चलिए आगे बढ़ते जा लेते कि काम कारोबार कैसा रहेगा इनका? देखिए, मीन राशि वालों के लिए कारोबार और काम के विषय में, कार्य के निश्चित विषय में अगर दिया जाता है कविता जी, तो व्यापारी बंधुओं के लिए यह समय थोड़ा सा तनावग्रस्त होने वाला है, आर्थिक रूप से तंगी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहीं से शिक्षा के क्षेत्र के व्यवसाय में हैं, या फिर कुछ मेकअप इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, और इस बीच अगर कुछ नया कोई पेपर इत्यादि है, एग्जाम है या इंटरव्यू है, इस बीच अगर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं आप, तो आपके लिए वहां शुभता मिलती हुई नजर आ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए जो वर्तमान में नौकरी में है, चाहे वह प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे वह गवर्नमेंट नौकरी में हो, उनके लिए कहीं ना कहीं छोटा मोटा तनाव उनका इंतजार रोज करेगा। रोज नए नए कुछ ना कुछ ऐसी वजहें मिलेंगी जो शायद आप घर पर आकर भी शांतिपूर्वक रिलैक्स होकर नहीं बैठ पाएंगे। तो थोड़ा सा मानसिक रूप से उलझन देते हुए कार्य क्षेत्र में तनाव बना हुआ रहेगा इस दौरान। कविता जी, आपने बताया कि स्ट्रेस रहने वाला है इनके काम को लेकर, लेकिन क्या क्या आप कहेंगे कि अगर हम इनके आर्थिक पक्ष जानने की कोशिश करें तो धन लाभ के, धन हानि के भी क्या योग है इनके इस दौरान? देखिए कविता जी, मीन राशि वालों के लिए पिछला 2.5 से 3 वर्ष जो गया है, कुछ लोग हमारे दर्शक जो हैं, व्यूवर्स जो हैं, वह सिर्फ शुरुआती वीडियो देखकर कहते हैं कि आप नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन जो 2.5 से 3 वर्ष गया है, यह मूल है। अगर आप मूलतः मीन लग्न और मीन राशि वालों से पूछेंगे तो वह बहुत शुभ नहीं मानेंगे। अब इस गोचर में, इस मार्गी अवस्था में आर्थिक रूप से आपको मजबूत करने का समय आएगा, मतलब आर्थिक रूप से बल देता हुआ यह समय आपको दर्शा रहा है। तो आर्थिक रूप से यह जो मार्गी अवस्था है 2.5 से 3 महीने का, यह शुभता देती हुई नजर आ रही कविता जी, और बहुत दिनों बाद मीन राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी। ऐसे में यहीं से, शनि की जमीन से, शनि की धरती से क्या कुछ उपाय आप इनको बताएंगे? देखिए, सबसे उत्तम है, अगर आप लोग जानते हैं और हमारे जो दर्शक हैं वह लोग जानते हैं कि दो चीज बड़ा रिवाज था अपने यहाँ, रीतियों में लिया जाता था, और कविता जी आप सब, हम सबके, आप तो देवभूमि से हैं तो वहां भी यह प्रचलन जरूर रहा होगा कि हम पहली रोटी जो तवे पे बनाते थे, वह पहली रोटी हम गाय को देते थे।
यह प्रचलन था कि कुछ भी हमारे देवभूमि हाँ तो अभी भी देवभूमि और साथ ही साथ जो अभी भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं वह आज भी यह क्रिया को करते हैं, भले ही उनको रात्रि में ना समय मिले, लेकिन जो शहरों में भी हमने देखा है कविता जी, वह पर्स में रख लेंगे, बैग में रख लेंगे और रुककर गाय जहां मिल जाएंगी गौ माता को खिला के प्रणाम करके निकल जाते हैं। वह बड़ा चमत्कारी प्रभाव है, उसमें बस करना इतना है आपको कि 5 इलायची के दाने और थोड़ा सा मिश्री उसी रोटी में रख लेना है। पहली रोटी, जो पहली रोटी बन रही हो तवे पर, वह पहली रोटी ले लेना है, बल्कि उसके साथ एक दो और रख लीजिए कोई दिक्कत, लेकिन पहली रोटी का रहना अनिवार्य है। और पहली रोटी पर आप इलायची के दाने 5 और 11 या 5 मिश्री के दाने रख लीजिए और ले जाकर गौ माता को खिला दीजिए और यह नित्य करिए उपाय, और अद्भुत आपके जीवन में जो भी तनाव होगा, चाहे वह संबंधों में हो, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, हर तरीके से आपको मुक्ति मिल ही जाएगी। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना कि शनि की मार्गी चाल मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेगी। अब यहाँ मैं अपने अपने दर्शकों को ये जरूर बता दूं कि इसी तरह हमने 12 के 12 वीडियोस मुरैना के इस शनिधाम से आप लोगों के लिए बनाए हैं, जो कि किस प्रकार से मार्गी चाल शनि की कैसे प्रभावित करेगी, राशि अनुसार आपको इन 12 वीडियोस में बताया है। तो इसी के साथ साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन कभी भी आपका अगर मुरैना की तरफ रुख करें, यहाँ कभी भी आप आए, तो स्वयंभू शनि के उनके तांत्रिक स्वरूप के दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।